Reoccurrence of water crisis prevail in Dima Hasao. With the rapid drying of water resources in Dima Hasao, reoccurrence of acute water crisis still continues in Dima Hasao. The district of Dima Hasao is the only one district in Assam identified as a water stressed by the Ministry of Jal Shakti Abhiyan. During last year, series of meetings and awareness campaigns were organized. At Haflong, water crisis has taken a serious turn as the people are not getting water once in a month or collecting water from long distance. Water crisis was not a new problem here, but as the days passed, the water crisis has taken a serious pose. People are of the opinion that mindless and unscientific exploitation of natural resources and wanton art cutting without considering the environment impact in the name road and rail construction have destroyed the natural resources of water resulting to water crisis. Public Health Engineering Department, which is the sole responsible for the supply of safe drinking water, while talking to the media, expressed its helplessness and said most of the sources were dried up and there were no sufficient water to be drawn. सूखा तो है अभी हमारा जो 8 इंच ग्रेविटी ड्रेन रहा मेन रहा कुछ तो पूरा सूख गया अभी दोंग में कृष्णनगर में रविनाला में क्या होता है पानी इतना सूखा है कृष्णनगर में हम लोग 3 घंटा पंप करने के बाद तो पानी सूख जाता है तो पानी जमा करना पड़ता जमा करने के बाद ये पानी खींचना पड़ता फिर भी हम लोग तो कोई चला रहे तो जब तक तो बारिश नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम है अभी कोई और कोई सेकेंड जो अल्टरनेटिव है ऑल्टरनेटिव तो पानी नहीं नहीं है पानी तो क्या ऑल्टरनेटिव बोलेगा नहीं जलशक्ति अभियान जो है वो तो दिल्ली से आए सभी सर लोग दो बार तीन बार चार बार मीटिंग किया हम लोग सब किया उसमें मेन है वाटर कंजर्वेशन तो वाटर कंजर्वेशन करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना है हर गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ में भी कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग में और एक बात है वाटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो पानी आता है बारिश का पानी आता है वो पानी ज़मीन का नीचे घुसा है तो ये तो हम लोग मीटिंग भी किया सब प्लान प्रोग्राम करके दिया अभी तो कुछ जो शक्ति अभियान से कोई गाइडेंस अभी तक तो नहीं है खाली मीटिंग ही कर रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग तो हो रहा है तो गाइडेंस भी आ रहा है तो ये हमारा डिपार्टमेंट का बात नहीं ये तो छोटा सा डिपार्टमेंट इरीगेशन के बाद तो अल्टीमेटली तो एक तो तय होगा पूरा एज ए डिस्ट्रिक्ट हम लोग क्या एक्शन लेगा तय करेगा सूखा भी जिन जो आ रहा है अभी तो हम लोग पानी रोटेशन जहाँ में आगे 8 घंटा 10 घंटा देता पानी वहाँ में हम ड्यूरेशन कमा दिया अच्छा माने माने रेशनिंग करके 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 हम लोग पानी दे रहे हैं अभी तो अभी सबसे बड़ा बात है 30 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग उनको डिस्ट्रिक्ट के लिए जल शक्ति अभियान बिकॉज दिस डिस्ट्रिक्ट इज सफरिंग एक्यूट क्राइसिस ऑफ वाटर ना इसीलिए जब तक बारिश ये तो अब दिसंबर तक तो प्रॉब्लम नहीं रहा जनवरी फरवरी में जो ग्रेविटी सूख गया पूरा सूखा सूख गया ना इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है बारिश होने से प्रॉब्लम नहीं होगा फिर तो 8 इंच आ जाएगा तो सब प्रॉब्लम नहीं होगा